जासूसी कांड पर कांग्रेस ने मांगा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा, कहा पीएम मोदी की भूमिका की हो जांच। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में कहा लीक डाटा का जासूसी से कोई लेना देना नहीं, आरोप लगाए जा रहे गलत। कांग्रेस के आरोपों को बीजेपी ने बताया स्तरहीन, पूछा मॉनसून सेशन से पहले क्यों नहीं शुरू किया पेगासस की कहानी। आरोपियों पर अपराधियों पर योगी सरकार का नकेल, 15 अरब से अधिक की संपत्तियां की गई जब्त। मायावती को याद आया 14 साल पुराना फॉर्मूला, बीएसपी की सोशल इंजीनियरिंग से बदलेगी यूपी की सियासत। नमस्कार, उत्तर प्रदेश की खबरों में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। संसद के मॉनसून सत्र में पेश होने वाले विद्युत संशोधन बिल को लेकर राजधानी लखनऊ में जमकर हंगामा हुआ। शक्ति भवन में बिजली कर्मचारियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान बिजली कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के महामंत्री महेंद्र राय ने कहा कि ये विरोध इसलिए है, जो बिजली संशोधन बिल है ये स्टेट होल्डर की स्वतंत्रता के पर प्रहार है। यही कारण है कि केवल देश के उद्योगपतियों को लाभ देने के लिए यह काम किया जा रहा है। जिनसे फायदा होगा उनको कंपनियां देंगी बिजली, और जिनसे लॉस होगा उसको हम बिजली देंगे। और यदि बिजली में कोई फॉल्ट आता है, बिजली कहीं कम मिलती है, तो जो इनका पेनाल्टी का वो है वो बिजली विभाग भुगतेगा, और वो कहेगा कि हमने तो बिजली मिली नहीं इसलिए हमने उपभोक्ता को दिया। इस तरह से सारी चीज़ों को मिला करके जो हमारे ऊपर और किसानों के ऊपर, गरीब मजदूरों के साथ जो अन्याय करने के लिए बिल लाया जा रहा है, उसके विरोध में हम आज खड़े हैं। और ये हमारा विरोध 10 अगस्त तक जारी है, यानी 4-5 को हम लोग दिल्ली में श्रम शक्ति भवन पर जोन वारिस बैठेंगे लोग, 27 को श्रम ये ऊर्जा मंत्री आर के सिंह से मिलेंगे, और इसके बाद भी अगर ये पेश करने की तैयारी करते हैं तो 10 अगस्त को पूरे भारतवर्ष में एक दिन का हड़ताल अब्लिक कार्य बहिष्कार हम लोग करेंगे, और उसके बाद नहीं मानेंगे तो आगे की रणनीति बना करके पूरे भारतवर्ष का बिजली कर्मचारी किसानों का सहयोग लेगा, और सभी के सहयोग से बहुत विस्तृत तौर पर आंदोलन चलाने का हम लोग काम करेंगे। क्योंकि आज हम लोग इस सरकार के देख रहे हैं कि ये सरकार केवल उद्योगपतियों के सहारे चल रही है और उद्योगपतियों के लिए चल रही है, ये आम जनता किसान मजदूर किसी के लिए इनका कोई ध्यान नहीं है। केवल ध्यान भटका करके हमें इन सब चीजों, महंगाई से लेकर के सारी चीजों को। जौनपुर के बदलापुर से बीजेपी विधायक रमेश चंद्र मिश्रा ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल वितरित की। ट्राईसाइकिल और उपकरण पाने के बाद दिव्यांगों के चेहरे पर खुशी देखने को मिली। दिव्यांगों ने ट्राईसाइकिल बनाने वाली कंपनी के कर्मचारी और जिले के अधिकारीगण वहां पर मौजूद थे। बदलापुर ब्लॉक में आयोजित कार्यक्रम में विधानसभा क्षेत्र के सैकड़ों दिव्यांगों को इसका लाभ मिल रहा है। विधायक ने कहा कि दिव्यांगों को मोटराइज्ड ट्राई साइकिल के माध्यम से आने जाने में सुविधा मिलेगी। क्षेत्र में बचे हुए अन्य दिव्यांगों की सूची फिलहाल तैयार की जा रही है, और उन्हें लाभ दिलाने के लिए विधायक ने अधिकारियों को निर्देशित भी कर दिया है। गाजीपुर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पर सभी लिपिक कर्मचारियों ने अपने अपने कार्यों का बहिष्कार किया। काम का बहिष्कार करते हुए लिपिक कर्मचारियों ने अपने ट्रांसफर के विरोध में धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने विभागीय आईएएस अधिकारी के मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। लोगों का आरोप है कि विभाग के दक्षिण भारतीय आईएएस अधिकारी ने राजनीतिक पार्टी को प्रदेश में स्थापित करने के लिए यह तबादला एक्सप्रेस चलाया है। आगे लोगों ने कहा कि इस तबादले में 70% से ऊपर कर्मचारियों का तबादला कर स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत कर्मचारियों को कोविड-19 के सेकेंड फेज में काम करने का इनाम दिया है। ऐसे में WHO के द्वारा तीसरी लहर की बात कही जा रही है, और ये तबादला इसी तरह चलता रहा तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कैसे तीसरी लहर को रोक पाएंगे, ये अब उनकी समझ से परे है। यह हम लोग के प्रांतीय नेतृत्व के आह्वान पर आज हम लोग 75 जिले में जो हम लोग एक निदेशक प्रशासन IAS होते हैं उनके द्वारा शासनादेशों की धज्जी उड़ाते हुए मास्क स्थानांतरण कर दिए गए हैं, और स्थानांतरण 1,000 किलोमीटर दूरी पर कर दिए गए हैं, जबकि शासनादेश जो है वह इसकी अनुमति नहीं देता था।
और इसके विरुद्ध जो है हम लोग की प्रांतीय बैठक हुई, जिसमें निर्णय लिया गया कि हम लोग जो है इस पे अब अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार करेंगे। और आजमगढ़ के समस्त मनरेगा कर्मियों के साथ तकनीकी सहायक, लेखा सहायक के साथ मिलकर सेवकों ने लामबंद होते हुए प्रदर्शन किया। कलेक्ट्रेट क्षेत्र में जुलूस निकालकर विकास भवन का घेराव किया गया। प्रदर्शन करने वाले लोगों ने सरकार की नीति के खिलाफ असंतोष जताते हुए कहा कि आंदोलन मनरेगा कर्मियों की जेम पोर्टल से नियुक्ति को किए जाने, पूर्व से कार्यरत मनरेगा कर्मचारियों का समायोजन न किए जाने, शासनादेश के विपरीत महिला मेट का चयन जैसे प्रतिकूल निर्देश दिए जाने को लेकर है। इसके अलावा पूर्व से कार्यरत मनरेगा कर्मियों की समस्याओं का निस्तारण न किए जाने के कारण जिला स्तर पर एक दिवसीय सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया गया। धरना प्रदर्शन के माध्यम से 6 सूत्रीय मांगे शासन को भेजी गई हैं। उत्तर प्रदेश मनरेगा महासंघ के द्वारा एक कार्यक्रम आयोजित है, जिसमें 12 तारीख को हम लोग विकास खंड स्तर से प्रमुख सचिव को एक ज्ञापन दिए थे। आज वह जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया गया है। हम लोगों की मांग है कि जेम पोर्टल से मनरेगा में कोई नियुक्ति न की जाए और मेट प्रकरण पर कोई भी नियुक्ति न की जाए, क्योंकि मेट का जो जॉब चार्ट है वह रोजगार सेवक का भी जॉब चार्ट है, और रोजगार सेवक के जॉब चार्ट में अगर दूसरा कोई काम करेगा तो वहाँ पे टकराव होगा और हम लोगों के अधिकारों का हनन होगा। हम इसके नियुक्ति के लिए किसी भी कीमत पे न हो, इसके लिए कृत संकल्प हैं, और हम लोग यह लड़ाई आगे 26 तारीख को लखनऊ में धरना होगा, जिसमें हम लोग मेट की नियुक्ति और जेम पोर्टल से नियुक्ति दोनों पर विराम चाहते हैं। यह किसी भी कीमत पर नहीं होने। आजमगढ़ के जीएनपुर कोतवाली पर शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। उपजिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें त्योहारों को सौहार्दपूर्ण तरीके और शांतिपूर्ण तरीके से मनाने की बात कही गई। आगामी बकरीद के त्योहार पर मस्जिदों में 5 से ज्यादा लोगों द्वारा नमाज न अदा की जाए, कोरोना के प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन किया जाए, इन सभी बातों की अपील की गई। खुले में कुर्बानी न दी जाए। वहीं उपजिलाधिकारी ने कहा है कि किसी भी दशा में कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी नहीं होनी चाहिए। लोगों से अपील की गई कि त्योहार को शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाए। उनके द्वारा जो उनके बावजूद जो शासन ने निर्देश दिए हैं कि किस प्रकार किसी भी सार्वजनिक आयोजन को प्रतिबंधित किया गया है, कहीं पर भी कोई सामूहिक आयोजन नहीं होगा, धार्मिक स्थलों पर केवल 5 व्यक्ति जाकर जो भी पूजा अर्चना या नमाज पढ़ना चाहते हैं वो कर सकते हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अपने घरों में रहकर जो त्यौहार मनाना चाहते हैं वो कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन करके किसी प्रकार के सामूहिक आयोजन को अनुमति नहीं दी जाएगी। दूसरा, सामूहिक जो है सामंजस्य सौहार्द को बनाते हुए त्यौहारों को शांतिपूर्वक सम्पन्न कराने के लिए जो है धर्म गुरुओं और जो भी हमारे कस्बे के लोग थे उन सभी से बातचीत की गई है। जो उनकी समस्याएं हैं वो नोट कर ली गई हैं और बाकी ऐसी कोई विस्तृत समस्या किसी के द्वारा नहीं बता। आगरा में कोरोना को लेकर लोगों को सतर्क रहने के लिए कहा जा रहा है और लोगों से अपील की जा रही है कि वे वैक्सीन जरूर लगवाएं। इसी कड़ी में श्रावण मास के बटेश्वर धाम में कांवड़ नहीं चढ़ाई जाएगी। आगरा के बटेश्वर धाम में कांवड़ के लिए लोगों की भीड़ नहीं जुटेगी। शासन प्रशासन के ही ओर से लोगों से कोरोना के नियमों का सख्ती से पालन कराए जाने की बात कही गई है। मंदिर पर पुजारियों के अनुसार कोविड प्रोटोकॉल का पूर्ण सहयोग किया जाएगा, श्रद्धालु सिर्फ मंदिर में ही दर्शन कर पाएंगे। बता दें कि उत्तर भारत का प्रमुख तीर्थ धाम बटेश्वर छोटी काशी के नाम से भी प्रसिद्ध है। ऐसा है कि पिछले वर्ष जो कोविड की वजह से सुरक्षा बढ़ती गई थी, तो जनमानस को जीवित और सुरक्षित रखना है, उस उद्देश्य से ये तीसरा जो कहर आने वाला है या मान ले तीसरा जो आघात होगा उसको बचाने के लिए, जनमानस को सुरक्षित रखने के लिए मंदिरों में दर्शन होंगे लेकिन जलाभिषेक नहीं होगा। कांवड़ सहारनपुर में बिना टिकट पकड़े जाने पर यूपी पुलिस के एक पुलिसकर्मी की गुंडागर्दी का वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में पुलिसकर्मी ऑन ड्यूटी रेलवे कर्मचारी आरपीएफ की महिला कांस्टेबल के साथ हाथापाई करते हुए दिखा और अभद्र व्यवहार करता नजर आया। यही नहीं, पुलिसिया धाक जमाते हुए कर्मचारियों के साथ पुलिसकर्मी अभद्र व्यवहार करते हुए भी नजर आए हैं। इस मामले में रेलवे कर्मचारी और आरपीएफ की महिला कांस्टेबल ने लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए आरोपी पुलिसकर्मी के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्यवाही की भी मांग की है।
औरैया में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। ताजा मामला लुधपुरा गांव का बताया जा रहा है, जहां खेत में धान की रोपाई कर रही महिला के ऊपर आकाशीय बिजली गिर पड़ी, जिसमें महिला की मौत हो गई, जबकि दो लड़कियां मौके पर मौजूद थीं, वह घायल हो गई, जिन्हें फिलहाल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यहां एक लड़की को सफाई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया गया है। आकाशीय बिजली गिरने से लगातार 3 दिनों के अंदर इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं। लखनऊ साइबर क्राइम सेल की टीम ने शातिर साइबर ठगों को गिरफ्तार कर लिया है। क्राइम सेल ने 5 साथियों को गिरफ्तार किया है। साइबर क्राइम सेल के अधिकारियों की माने तो साल 2020 में आरोपी प्रमोद ने फर्जी बैंक मैनेजर बनकर एक रिटायर्ड पुलिसकर्मी के पेंशन खाते से नेट बैंकिंग जनरेट कर लगभग 53 लाख रुपए समेत करीब 6 पुलिसकर्मियों के खातों से लाखों रुपए उड़ाए हैं। इस मामले में साल 2020 के हजरतगंज कोतवाली में आईटी एक्ट समेत कई संगीन धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। आरोपी प्रमोद की तलाश कई राज्यों की पुलिस कर रही थी। दुमका पुलिस भी बीते 4 महीने से उसकी तलाश कर रही थी। प्रमोद के पास से 10 करोड़ से अधिक की संपत्ति है और कई राज्यों में साइबर ठगी को इसने अंजाम दिया है। प्रमोद इन दिनों अपनी पत्नी के साथ दिल्ली में रह रहा था और जब वो लखनऊ में रहने आया तभी पुलिस को उसकी सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 1,20,000 रुपए की नगद समेत 6 फोन बरामद किए हैं। पिछले डेढ़ साल पहले एक सचिवालय के रिटायर्ड समीक्षा अधिकारी के साथ साइबर फ्रॉड हुआ था, जिसमें उनसे फोन कॉल करके ओटीपी लेकर इंटरनेट बैंकिंग का एक्सेस कंट्रोल इन लोगों ने अपने हाथ में लेकर और करीब 30 लाख रुपए की एफडी कराकर उस पर 95% यानी 25 लाख रुपए और लोन कराकर टोटल 55 लाख रुपए फिक्स कराकर उसमें से 53 लाख रुपए इन्होंने इंटरनेट बैंकिंग के जरिए अपने विभिन्न बैंकों में ट्रांसफ़र कर दिए थे। बैंकों की डिटेल्स जो थी, सहारनपुर के थाना गंगोह क्षेत्र में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला की मौत की सूचना मिलते ही परिजनों में हड़कंप मच गया। इलाके के लोगों ने पुलिस को घटना की जानकारी दी। पुलिस का कहना है कि शव को कब्जे में लेकर फिलहाल पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और महिला ने आत्महत्या किन कारणों से की है इसका भी पता लगाया जा रहा है। 7:30 बजे निगम ने दी कमरा मालिक के लड़के ने कि भाई गेट नहीं खोल रही। मैंने कहा भाई सॉरी होगी, अगर जी नहीं क्वाड पीट ले खोल देनी, आप आ जाओ। मैं आया तो क्वाड धक्के तो खोल ले मैंने। सहारनपुर के थाना चिकलाना में इलाके में एक खेत में किसान का शव बरामद किया गया है। किसान के शव को देखने के बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस की टीम को मामले की सूचना दी। सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी करते हुए शव को कब्जे में ले लिया है और फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने जानकारी देते हुए बताया कि किसान को गोली लगी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है, उसी के आधार पर आगे की कार्यवाही भी की जाएगी। थाना चिलकाने के अंतर्गत एक व्यक्ति का शव मिला है। इसमें तत्काल मौके पर पुलिस पहुंचकर पंचायतनामा पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और इसमें छानबीन कर रहे हैं और परिवारजनों से बातचीत कर रहे हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत करके शाहजहांपुर पुलिस की टीम अवैध शराब के खिलाफ काफी समय से अभियान चला रही है। इसी अभियान के तहत पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। टीम ने लगभग 12 लाख की कीमत की अवैध देशी शराब की 234 पेटियों को बरामद कर लिया है। इसी के साथ 8,58,000 कैश भी पुलिस ने बरामद किया है। तिलहर के मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी में निर्माणाधीन मकान से छापेमारी के दौरान टीम ने अवैध शराब के जखीरे को भी बरामद किया है। शराब का कारोबार करने वाले अपराधियों के विरुद्ध जनपद शाहजहांपुर में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में आज थाना तिलहर को एक बहुत महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुई। यहां कस्बा तिलहर के पंजाबी कॉलोनी में एक निर्माणाधीन मकान में अवैध शराब बनाए जाने और इसको विक्रय किए जाने की सूचना मुखबिर के माध्यम से प्राप्त हुई थी। इसी पर SOG शाहजहांपुर की टीम, थाना तिलहर की टीम के साथ और आबकारी विभाग के साथ संयुक्त रूप से इस पर कार्रवाई की गई है। इस कार्रवाई के दौरान
बहुत भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद हुई है, जिसके ऊपर पूर्वरचित QR कोड्स मिले हैं। इन QR कोड्स को स्कैन करने पे इसकी डिस्टिलरी बरेली में दिखाई जा रही है और उसके साथ साथ इसमें यहाँ जो और दुकानें हैं शराब। कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के साथ साथ टीकाकरण अभियान को भी बढ़ावा दिया जाए, इसी कड़ी में फतेहपुर में ग्राम प्रधान हेमलता पटेल ने कैंप लगाकर टीकाकरण शिविर का आयोजन किया। इस टीकाकरण शिविर में स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। टीकाकरण शिविर में 18 साल के लगभग 110 युवाओं को कोविड-19 का टीका लगाया गया। टीकाकरण के दौरान स्वास्थ्य विभाग के लोग भी मौके पर मौजूद रहे। रायबरेली में इन दिनों फिर से अपराधियों के हौसले बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं, इसी वजह से पुलिस की कार्यशैली पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। दबंगों की दबंगई का ताजा हाल लालगंज कोतवाली क्षेत्र के कुड़वल गांव से देखने को मिला है, जहां एक युवक पर दबंगों ने लाठी डंडों से जानलेवा हमला किया। इस हमले के बाद दबंग मौके से फरार हो गए। वहीं ग्रामीणों की मदद से घायल युवक को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। फतेहपुर जनपद के बकेवर थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार गाड़ी की टक्कर से बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को राहगीरों ने इलाज के लिए जहानाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती करा दिया। यहां घायल की गंभीर हालत को देखते हुए उसे हैलेट अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया है। आगरा के खंदौली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने चेकिंग के दौरान लाखों रुपए की अवैध शराब को बरामद कर लिया है। पुलिस ने बताया कि कैंटर चालक द्वारा शराब की बड़ी सी चालाकी से सप्लाई की जा रही थी और मौके पर टीम ने कार्यवाही करते हुए शराब के इस जखीरे को बरामद किया है, लेकिन कैंटर चालक मौके का फायदा उठाकर भागने में कामयाब हो गया है। फिलहाल पुलिस फरार चल रहे चालक की तलाश कर रही है। थाना क्षेत्र खंदौली में एक संदिग्ध अवस्था में एक कैंटर को पकड़ा गया है, उसमें शराब की पेटियां बरामद हुई हैं। जो शराब की पेटियां थी उसको चारों तरफ से फोम से छुपाया गया था। जो शराब की पेटियां हैं कुल 150 पेटी है, जिसकी अनुमानित कीमत 9 से 10 लाख बताया जा रहा है। इसमें जो ड्राइवर था वहाँ मौके से फरार हो गया है, अभी वहाँ पर मिला नहीं है। जो गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर है उससे उसके मालिक की जांच की जा रही है और इसमें और भी पहलू पे जांच करके जो भी सामने आएगा उस पे। अब बात कर लेते हैं रफ्तार के कहर की। जी हाँ, आज का दिन रफ्तार के कहर का देखने को मिला है। यूपी के 3 अलग अलग जिलों की तस्वीरें हम आपको दिखाने जा रहे हैं, जहां सबसे बड़ा हादसा संभल में हुआ। आपको बता दें कि मुरादाबाद आगरा हाईवे पर बारातियों से भरी बस में ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, वहीं हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। वहीं दूसरा सड़क हादसा कासगंज में देखने को मिला है, जहां दुल्हन की विदाई कराकर लौट रहे दूल्हे की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि दूल्हा और दुल्हन समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं तीसरी तस्वीर इस वक्त रायबरेली जिले से हम आपको दिखा रहे हैं, जहां सलोन कोतवाली क्षेत्र के रायबरेली प्रतापगढ़ राजमार्ग पर बाइक सवार 2 युवक खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली में जा भिड़े, जिसमें मौके पर ही एक युवक की मौत हो गई, वहीं दूसरा फिलहाल गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, हादसों का सोमवार देखने को मिला है। संभल कासगंज रायबरेली की तस्वीरें इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जहां पर रफ्तार का कहर हमें देखने को मिला है। लखनऊ के जलवंशी समाज ने आरक्षण की मांग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जलवंशी मोर्चे की तरफ से आयोजित की गई इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अध्यक्ष ज्ञानेंद्र निषाद ने कहा कि जलवंशी समाज के लोगों की संख्या यूपी में 18% है और वो चुनाव में एक निर्णायक भूमिका निभाते हैं, लेकिन बड़ी राजनीतिक पार्टियां चुनाव के बाद इस समाज को नजरअंदाज कर देती है, इसलिए आगामी विधानसभा चुनाव में 403 सीटों पर अपने प्रत्याशी खड़े करने का भी ऐलान मोर्चे की तरफ से किया गया है। हम लोग 403 सीटों पे मजबूती के साथ, हमारी जो जलवंशी मोर्चा है, जो हमारे समाज के सभी पार्टियां हैं एक साथ आई हैं, समाज की काफ़ी संगठन हमारे साथ आए हैं, वो हम सब मिलकर पूरे मजबूती के साथ हम लोग 403 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे विधानसभा का। बिल्कुल है, क्योंकि ये मैं बता देता हूँ, क्योंकि देखिए
ये तो आप लोगों ने, मीडिया वालों ने ही दिखा दिया है आजकल सभी लोग सभी चैनल पे कि 18% हमारी आबादी है। आप किसी भी क्षेत्र में जाइए, हमारे किसी भी विधानसभा में जाइए, हर विधानसभा में हमारी संख्या 70,000, 80,000, 50,000 है। हम लोग समाज, हमारा जो समाज है जलवंशी समाज है, सिर्फ जलवंशी समाज एक छोटा सा समाज नहीं है, बहुत बड़ा उसमें समूह है। 17 जातियाँ 18 जातियाँ आती सब टाइटल्स में आते हैं। एक्चुअली इसके पहले लोग छोटे छोटे समझते थे, लेकिन छोटा नहीं है, एक छोटी छोटी मछलियाँ मिलकर एक बहुत बड़ा मछली बन चुके हैं जलवंशी के रूप में। इसी कारण मैं बताना चाहूँगा कि हमारे हर विधानसभा में लगभग 50,000। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।